मोदी गवर्नमेंट ने पाल कर रखी है, तो निहत्तों के ऊपर हमले करते हैं और उनकी नाकामियों को किसी न किसी तरह छुपाते हैं, और रक्षक थे उनकी भी अच्छी धुलम पट्टी की गई, और इसके आगे अगर वो ऐसी हरकत करेंगे। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं इस वक्त औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए AIIMIM के प्रत्याशी नासिर साहब मौजूद है। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की तैयारियां कैसी चल रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। सर, आपकी चुनावी तैयारियां कैसी चल रही है? देखिए, चुनाव जो है ये आखिरी चरण में है, और मैं समझता हूँ कि अभी एक माहौल बन चुका है औरंगाबाद का, कि जिस तरह औरंगाबाद की आवाम ने 2014, 2015, 2019 में MIM का साथ दिया था और यहां से 25 साल पुरानी सीटों को गिराया था, तो फिर से एक बार इतिहास रचा जाएगा मैं समझता हूं औरंगाबाद क्षेत्र में, और औरंगाबाद की तीनों के तीनों सीटें हम जीतने जा रहे हैं इंशाल्लाह। सर, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि आप यहां से विधायक, आपकी पार्टी की विधायक रही है, सांसद भी चुने गए, दोबारा सर क्यों भरोसा करेगा AIIM पर? क्योंकि 25 साल में जिस तरह यहाँ की सत्ताधारी पार्टियों ने यहाँ की पब्लिक को लूटा है, तो वो समझ गए हैं कि ये 5 साल में MIM ने जो काम कर दिखाया है तो उनको एक भरोसा बैठ चुका है। तो इसमें हमने पिछले लोकसभा इलेक्शन में देखा कि इम्तियाज जलील साहब को सारे समाज के वोट मिले, तो मैं समझता हूँ कि ये जात पात की राजनीति से लोग ऊपर उठकर जो है तो डेवलपमेंट विकास देखना चाहते हैं, इसीलिए मुझे पूरा भरोसा है कि सारे समाज मिलकर वोट देंगे और MIM को चुनकर लाएंगे। सर, इससे पहले यहाँ पर गठबंधन थी VVA से AIIM की, इस बार सर गठबंधन क्यों टूट गया, सर इसका मुख्य वजह क्या है? देखिए, ये बात सही है कि VVA का और MIM का गठबंधन टूटा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि दो समाजों का गठबंधन आज भी मौजूद है। दोनों समाज के अंदर गठबंधन होने की वजह से ये सीट और श्योर हो चुकी है। एक और बात है कि पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ तो खैर कोई बात नहीं, दोनों समाजों का गठबंधन जारी रहे। लेकिन कहा जाता है कि सर AIIM जो है मुस्लिम की पार्टी है, मुस्लिम के हिमायती करती है, वो तमाम सारे मुस्लिम के जो मुद्दे उठाते हैं, तो इस पर सर क्या कहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, सबसे पहले तो AIIMIM के जो औरंगाबाद के जो 5 पार्षद है तो वो दलित समाज से है, एक ओबीसी महिला है उसके अंदर। दूसरी बात, अभी जो विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं महाराष्ट्र के, उसमें 44 सीट्स के अंदर तकरीबन 14 सीट ऐसे हैं जहां अदर कास्ट के लोग डायरेक्ट MIM के टिकट पे लड़ रहे हैं, जिसमें धोबी समाज है, धनगर समाज है, उसके बाद मैं आपको बताऊं क्रिश्चियन समाज है, SC समाज है, ऐसे सारे समाज जो है आज MIM से लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा असदुद्दीन अवैसी साहब जब पार्लियामेंट में खड़े होते हैं तो विशेष वर्ग के बारे में नहीं बल्कि संविधान और संविधान के तहत सारे समाजों को इंसाफ मिले इसी तहत वो बात करते हैं। मॉब लिंचिंग पे सर कुछ कहेंगे? इतनी सारी मुसलमानों की हत्या होती है, दलित समाज की हत्या होती है, इस पर कुछ कहेंगे छोटी सी प्रतिक्रिया? एक निंदनीय ये घटनाएं हैं, और मैं समझता हूँ कि जो सरकारी गुंडे यहाँ की मोदी गवर्नमेंट ने पाल कर रखी है तो निहत्तों के ऊपर हमले करते हैं और उनकी नाकामियों को किसी न किसी तरह छुपाते हैं, और गाय की आड़ में या मंदिर की आड़ में जो है जो लोग परेशान है बस उनका एक छुपाने का एक एजेंडा है। लेकिन मैंने पिछले दिनों देखा हूँ कि जो गौ रक्षक थे उनकी भी अच्छी धुलम पट्टी की गई, और इसके आगे अगर वो ऐसी हरकत करेंगे तो गौ रक्षकों का हाल बहुत बुरा करके रखेंगे। सर, आखिर में जाते जाते एक सवाल, जिस तरह से शिवसेना का यहाँ गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस बार AIIM जो है अच्छी पकड़ बना रही है, इस पर सर छोटी सी? देखिए, सबसे पहले तो 70 साल पुरानी जो पार्टी थी औरंगाबाद से आज उसका सफाया हो गया, कांग्रेस मुक्त तो हम ऑलरेडी हो चुके हैं, और ये दोनों तीनों जो सीटें हैं तो ये हम जीतने जा रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात रहेगी, औरंगाबाद जो है शिवसेना मुक्त भी होने वाला है इंशाल्लाह। कांग्रेस तो कहती है कि सर ये AIIM जो है बी टीम का ही कही जाती है, आरोप लगाते रहते हैं वो। कांग्रेस के जितने दिग्गज नेता थे आज कौन सी टीम में शामिल है इसका जवाब बिल्कुल मिल जाएगा आपको। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।